नमस्कार, सप्रियर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एसएस पांडे, आप देख रहे हैं सप्रियर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। वार्ड संख्या 36 में हर जगह मैंने विकास कार्य कराया है, एक एक सड़क दिया है, चाहे छोटा हो या बड़ा मैंने कार्य कराया है। उक्त बातें सप्रियर से बातचीत के दौरान जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 36 से प्रवीण कुमार सरोज ने कही। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष राज बहादुर यादव के नेतृत्व में मुझे क्षेत्र में विकास करने का अवसर मिला, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का आभार प्रकट करता हूं। प्रवीण कुमार सरोज ने कहा कि जहां सड़कें टूटी हुई थी उसका मरम्मत कराया, जहां गड्ढा युक्त सड़कें थी वहां गड्ढा मुक्त कराया। इस समय हम बैठे हैं केशव फिलिंग स्टेशन भीगपुर और मेरे बगल में बैठे हैं प्रवीण कुमार सरोज जी, जो जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड नंबर 36 के। आइए आपसे बात करते हैं प्रवीण जी, आप अपने क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य हैं, अपने क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास कार्य कराया है? देखिए, जिला पंचायत सदस्य में अब तो काफी चीजें नहीं है, लेकिन सड़क है, खानदा है और नाली है। हम अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम सड़क निर्माण में किए हैं। लगभग हमने सभी गांव में एक एक सड़कें देने का काम किया है, चाहे वो 200 मीटर हो, चाहे 1000 मीटर हो, लेकिन हर गांव में आप ये आप जान लीजिए कि एक एक सड़क आप पाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, उन्होंने सभी समुदाय को लेकर, सर्व समाज को लेकर, चाहे वो जिस समाज से जिला पंचायत सदस्य हो या जिस पार्टी से हो, उन्होंने सभी को एक समान रूप से लेकर चला है। उनको हम हृदय से धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। एक सवाल के जवाब में प्रवीण कुमार सरोज ने कहा कि पेट्रोल पंप की स्थापना का हमारा एक ही उद्देश्य था कि ग्राहकों को शुद्ध और पूरा तेल मिल सके। उन्होंने कहा कि एक बार मैंने अपनी मोटरसाइकिल में तेल भराया था, उसमें पानी की मात्रा मिली थी। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि एक न एक दिन मैं पेट्रोल पंप अवश्य खोलूंगा और ग्राहकों को उनके रुपए के एवज में पूरा माप देना और अच्छी क्वालिटी का तेल देना, जो मेरे यहाँ दिया जा रहा है कभी भी चेक किया जा सकता है। उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को बधाई भी दिया। सबसे पहले जो हमारे पेट्रोल पंप पे आए, चाहे हमारे क्षेत्र की जनता हो, जो चाहे वो विधायकगण हो या हमारे जिले के प्रथम नागरिक माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी आए थे, सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे इस शुभ अवसर पर अपना अमूल्य समय निकाल कर आए, और मैं देख रहा हूँ जिस दिन से हमारे पेट्रोल पंप की ओपनिंग थी, उसी दिन से चाहे इस सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन हो, चाहे टेम्पो हो, चाहे बस हो, आप अभी भी देख सकते हैं, अपना कैमरा देख सकते उधर कर सकते हैं, अभी भी हमारे पेट्रोल पंप पर बस अपना ईंधन भरवा रहे हैं। उस दिन से सेलिंग भी हमारी बहुत बढ़िया है, मैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेटर रखा हूँ। सही आपको तेल मिलेगा, शुद्ध तेल, सही तौल, ये हाँ हमारे पेट्रोल पंप की वरीयता के क्रम में। अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि जो है मिलावट, जहाँ मिलावट की बात आती है कि तेल मिलावट हो रहा है, तो वहां आप अपने आप को कहाँ रखेंगे? हम भी पहले कस्टमर ही थे, पहले जाकर पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते थे, इस तरह की शिकायत बहुत सारी आती थी। कभी कभी हमारे दोपहिया वाहन में पानी भी निकलता था, इसको हमने गंभीरता से लिया है। बरसात के दिन में अक्सर कहीं कहीं पाइपलाइन में पानी घुस जाता है, ये बात कुछ स्तर तक या थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन हमने अपनी सारी पाइपलाइन को सही रखा है, कहीं से कोई पानी, कोई मिलावट उसमें नहीं होगी। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, हमारे यहाँ शुद्ध ही तेल मिलेगा, चाहे हमको दो पैसा कम मिले। सरकार तो अब कमीशन भी शायद बढ़ा दी है, क्योंकि ये पहले कम मिलता था, अब तो पर्याप्त मात्रा में डीलर उसका जो तेल बेचने के बाद उसको मिलता है, वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। जितना मिलेगा मैं संतुष्ट हूँ, मैं अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट रखूंगा, सही तेल, शुद्ध तेल होगा। प्रवीण जी, स्वतंत्रता दिवस बीत गया, रक्षाबंधन बीत गया, जन्माष्टमी आपके सामने है, क्या संदेश देना चाहे?
जन्माष्टमी के लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ और आने वाला त्योहार सभी परिवार में सुखमय से बीते मैं ऐसे ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे थे प्रवीण कुमार सरोज जो जिला पंचायत सदस्य, आपने कहा मैं अपने वार्ड में विकास की नदियां बहा दिया हूँ, विकास कार्य आपने बहुत किया है। और जहां तक पेट्रोल पंप की बात आती है, आपने कहा कि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं, मैं एक ग्राहक बन के देखा था, अपने बाइक में पेट्रोल भराया था, मुझे भी कमियां मिली, लेकिन उसी दिन से मैंने ठान लिया कि एक न एक दिन मैं पेट्रोल टैंकी की स्थापना करूंगा और वो करके दिखाया। अपने सहयोगी है प्रकाश पांडे के साथ, मैं पांडे पूरा बादशाह को चौहान।